शिवपुरी शहर में आज यातायात पुलिस द्वारा ऐसे भारी वाहनों पर कार्यवाही की है जो बिना नंबर के सड़कों पर चल रहे थे। आज यातायात पुलिस ने शहर के देहात थाना के हवाई पट्टी क्षेत्र में पहुंचकर 22 ऐसे ईंट और रेत से भरे डंपर और ट्रकों को पकड़ा जिन पर नंबर नहीं डले थे। यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने बताया कि सभी 22 ट्रक डंपर के 500-500 रुपए के चालान काटकर 11,000 रुपए का सामान शुल्क वसूला गया है। साथ ही सभी वाहनों पर वाहनों के नंबर भी डलवाए गए थे। सभी वाहन मालिकों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर आगामी समय में बिना नंबर के वाहन पकड़े गए तो वाहनों को जब्ती की कार्यवाही की जाएगी, जिससे उन्हें न्यायालय में मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। ये आपके हवाई पट्टी पर जो ट्रक रेत गिट्टी के ट्रक रहते हैं ईंटों के, वो सड़क किनारे खड़े होते हैं और इनको आज पहली बार नहीं है, कम से कम 2 से 4 बार और भी पहली चालानी कार्रवाई की है। वो समझाइश दी जाती है कि सड़क किनारे नहीं खड़े होना है, इससे क्या है दुर्घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा एक कमी एक और निकली थी, जो बिना नंबर के डंपर रेत के और ईंटों के थे जिनमें नंबर नहीं थे, या नंबर थे तो मिटे हुए थे, उन पर वहीं तत्काल नंबर डलवाया गया और जुर्माना काटा गया है। और सख्त उनको हिदायत दी गई है कि सड़क किनारे आपको नहीं खड़े करना, सड़क पर खड़ा नहीं करना, कभी कोई दुर्घटना घटित होगी फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये तय करना मुश्किल हो जाता है। हमारे द्वारा कई बार इनको समझाइश दी गई है, आज इन पर चालानी कार्रवाई की गई है। ये 22 ट्रकों पर कार्रवाई की गई है जिसमें 500-500 रुपये जुर्माने किए हैं और 11 रुपये सम्मान शुल्क वसूला गया है इन लोगों से। और सख्त इनको हिदायत भी दी गई, चेतावनी दी है, क्योंकि वहाँ एक मंडी है जो इनके लिए पहले से इनको अलॉट की गई है कि वहाँ आपको खड़ा करना है, क्योंकि सड़क किनारे खड़े हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।